प्रतीक जी, मैं तो जब घर पहुंचे वाइफ को लेके, तो उनका पहले कार्ड आया था घर में, हॉस्पिटल से लेके पहुंचे। इस दुनिया में आने से पहले ये तय हो जाता है कि स्कूल कौन सा होगा, एडमिशन लेना है तो क्या फीस देनी होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। बाजार बात का बात तुमने उठाया था ना, मैं तुमको लेके जाता जी। राइट, मेरी 6 मंथ्स की बेबी है एंड प्री स्कूल वाले आ रहे हैं कि आप अभी एडमिशन कराते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट, वरना 2 साल बाद कराओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई जस्ट केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई हैड सीजरन, सो आई वाज देयर फॉर 3 डेज। आई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, द डे आई एंटर्ड माई होम आई जस्ट गॉट द SMS, you have a child, if you get, if you want to get the giving out thing admission, we will give you 50% discount. Exactly. यानी सवाल उसका नीचे लेवल के लोग जी सवाल का बहुत सारे सवालों के बीच में ये भी सवाल है कि आपका बच्चा दुनिया में आने से पहले आपके पास आ जाता है कि अगर आपका एडमिशन लेना है तो फला फीस फला जगह फला रिबेट जी। अभी तो सेल चल रही है ना, वो पहले था, अब नहीं था, पहले कभी था। बेबी शो में फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम इज इन अवर कंट्री ओनली और द सेम प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो? इन डेवलप्ड कंट्रीज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इज बेटर देन आवर बेस्ट। गवर्नमेंट स्कूल वहां पे बेटर है और गवर्नमेंट स्कूल का जो उनका जो पैरेलल स्कूल है वहां पे वो कई कई गुना। और एक बात बताओ, वो सवाल जो अनका जी ने कहा था कि आप बैठे कि बेटर कैसे स्कूल को करें, हम सब लोग का दायित्व, अगर हम अपने बच्चों को और अपने लोग जो लोग हैं पेरेंट्स हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल जो आपका कम्युनिटी के बगल में स्कूल है उनको बेटरमेंट के लिए नहीं आगे आएंगे तो ये सवाल बार बार इसी तरह SMS आपको बार बार पूछे जाएंगे। मैं ब्रेक लू से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके सवाल पे खत्म करूंगा जी। देखिए एक्चुअली यू आर ट्रू, शिकायत तो हम शुरू करेंगे तो यू नो द होल नाइट इज लेस, बट एक सजेशन एज यू सेड, यू नो बाहर की कंट्रीज में किसी ने बोला अभी, आई सजेस्ट आउटसाइड इंडिया देर आर सम रूल्स लाइक इन यूके यू से काउंसिल एंड यूएस में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह है जहां पे सेंट्रलाइज, जैसे आप कह रहे हैं सेंट्रलाइज करना भी मुश्किल है बिकॉज 15,000 की आई मीन टू से फीस नहीं भर सकते, सो जस्ट यू सबमिट दैट like East Delhi or Central Delhi and based on that it is the responsibility of the council कि वो बच्चों को allocate करे स्कूल में, because I have been outside India many years and I have seen कि कोई भी बच्चे को वहाँ पे problem नहीं होती, आप जाइए and it's a compulsion for them, अगर स्कूल में सीट नहीं है in that area। सवाल यहाँ की स्कूल कम नहीं है हमारे यहाँ भी, ये स्कूल हमारे यहाँ बिल्कुल कम नहीं है, बहुत स्कूल है, सिस्टम जो है, और हम अपने हर माफ करिएगा मैं भी खुद उसमें शामिल हूँ, मैं भी खुद उसमें शामिल हूँ, अपने बच्चे का एडमिशन हम वही कराना चाहेंगे जहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। ये हकीकत है, ये बात सच है, क्योंकि हम इंजीनियर बन नहीं पाए तो हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और इस समस्या का हल भी वहीं पे है। इजाजत हो जी, स्टैंडर्ड जी बिल्कुल ऑफकोर्स मैं बात करूं, मैं आपके पास आऊँ, इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आती है कि हम सोल्यूशन की तरफ क्या, अगर 1 घंटे आज हम यहाँ बैठे हैं, बैठने के बाद हम किस सोल्यूशन की किस बात पे कि हम कह सकते हैं कि नहीं आज हमने ये फैसला लिया है या कम से कम एक आवाज उठाई है और उस आवाज में अगर सैकड़ों आवाजें और जुड़ती हैं तो निश्चित तौर से बदलाव की शुरुआत हम कह सकते हैं कि हुई है। जैसा आपने भी कहा था, एक पॉइंट उठाया था कि अच्छी बात अगर रखी जाए, पर्सपेक्टिव में रखी जाए तो बात बेहतर तरीके से आती है। आप कहना चाह रहे थे कुछ जी? Sir, I want to know why this problem is faced by middle and low class society only. Rich people आराम से donation देके admission करवा रहे हैं और ये बात सबको पता है, यहाँ पे donation से काम होता है, तो ऐसा क्यों है? जी, donation का एक point है, एक मुद्दा है, मैंने 2.5-3 साल पहले जब show किया था उस जमाने में भी बात हुई थी donation के बारे में, लोग कहते हैं कि स्कूल कभी मानेंगे नहीं कि डोनेशन लिया जाता है, पेरेंट्स जो देते हैं वो कभी सामने आते नहीं है कैमरे के सामने, वो कभी बोलते नहीं है, तो सवाल इस बात का है, मैं तुम्हारी बात को जानता हुआ इस मुद्दे को रखूं या यहीं छोड़ दूं? जी जी, this is we have a centralized solution, centralized system where the forms are distributed centrally and we have a uniform fee structure also for all private schools so that any parent who is coming there he knows how much he has to pay। जी इन्होंने कहा कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, फेडरेशन को आगे आना चाहिए इसमें, आपको लगता है आरपी मलिक साहब? पहले तो ये फेडरेशन का ये कार्य है कि जो हमारा काम है, जितने पेरेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है हम हल करते हैं, मैं नंबर सबको देता हूँ 9811230603, अब मुझे फोन करें, हम सारे नॉन डिस्ट्रिक्ट है, 9 में हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बैठे हैं, 9811230603,
आरपी मलिक, मुझे करोगे मैं उस सेक्रेटरी को उनकी कंप्लेंट, मुझे फोन पे सिर्फ बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं, जेन्युइन कंप्लेंट, कंप्लेनर उनको रिप्लाई मिलेगा। मेरे पास आ रही है चिट्ठी, मैंने पिछले इंटरव्यू में दिया था नंबर, तो आपकी वजह से मेरे काफी चिट्ठी आ रही है और मैंने सबकी प्रॉब्लम हल कर। आप भी अपना नंबर देना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, मैं भी दोबारा बोलता हूँ, 9811019123। सवाल अगर... इस बात का कि नंबर देने की बात नहीं, सवाल इस बात का कि मुद्दे हम जेनुइन प्रॉब्लम हल करते हैं जब जेनुइन है। जैसे कि जब तक डीओई और स्कूल इकट्ठे बैठ के बात नहीं करेंगे कोई सोल्यूशन नहीं है। जी जी जी, जब तक डीओई और स्कूल इकट्ठे बैठ के बात नहीं करते, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं, एंड स्कूल्स, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन। सी, नंबर आप दे देंगे सर, ये कंप्लेन नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ changing the entire system. Yes, yes. Where the suggestions should come from the parents. Yes. The committee should sit on this from the top level of the, I am saying from the education minister itself, and then find out the solution ki whether we can do the centralized implementation can be done or not be done, and on that basis the debate should be there. It's not that same thing I'm saying, they have to sit together. Main complaint ki baat nahi kar raha, main problem ki baat kar raha hu. Kisi parent ko problem hai, jaise 25 rupees se zyada paisa suggest hame bataye, hum unko form dilwayenge. Ye change ki baat kar rahe hain ji, inka kehna hai ki complaint ko aap hal kar denge, hum change ki baat chahte hain, hum change karna chahte ji, form dilwayenge, admission dilwayenge, nahi agar form chal raha hai to एडमिशन की बात नहीं कर रहा मैं, एडमिशन तो फिर स्कूल मैं तो फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जनरल प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम की बात हो रही है। फॉर्म तो मिल जाएगा बट एडमिशन मिलेगी, जनरल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं फिर वही बात करूँगा, भली साहब इनको कहना है कि फॉर्म तो मिल जाएगा पर एडमिशन की करेंगे, और जनरल प्रॉब्लम जैसी ये कहते हैं नंबर नहीं मिले उससे। सवाल इस बात का कि क्यों ना हम फॉर्म नंबर का चक्कर छोड़े और हम चेंज की बात की तरफ, सोल्यूशन की तरफ बढ़े। जी अनिका जी, आप क्या कहती हैं सोल्यूशन की तरफ अगर बात करें? डेफिनेटली कंफ्यूजन है और प्रॉब्लम की, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ी है, क्योंकि बड़ी बात ये होती है कि उनको एक पर्टिकुलर स्कूल चाहिए। ये माइंडसेट तो बदलना ही पड़ेगा। देखिए मैं अपनी बात कर सकती हूँ अपने एरिया की, कि आप जी जी, मैं बाबूजी, मैं बाबूजी, बाबूजी एजुकेशन की बात खत्म हो गई सर, आप बार बार पुराने प्रकाश साहब रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका एजुकेशन ठीक नहीं, आप नहीं है ही नहीं, मुद्दा गलत बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जिनका घर दूर है और आपका स्कूल नामी है और वो चाहते हैं कि आपके स्कूल में हम पैसे दे करके एडमिशन कर, क्यों पैसा देके? अब आगे बात, आपको पैसा देके, यानी कि आप बढ़ावा दे रहे हैं डोनेशन देने का, यानी कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा मुद्दा अलग था, मुद्दे से हम अलग जा रहे हैं, हमारा था सोल्यूशन, सोल्यूशन सोल्यूशन का मुद्दा हमारा अलग था। सोल्यूशन है जैसे जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, हमारा सोल्यूशन जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो भी एक ड्यू की गाइडलाइंस होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भी अगर आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं, एक लिमिट होनी चाहिए। वो हो ही नहीं सकता, जो स्कूल 20 साल पहले बने हैं वो लो फीस में है, जो आज की डेट में है वो 30,000 की है, वो एट पार हो ही नहीं सकता, वो गलत है। वो नहीं बोल रहा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई लोग हाउस सेटिंग करवा रहे हैं, कई लोग स्विमिंग पूल खोल रहे हैं, तो कुछ भी चार्ज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी। देयर शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द, देयर शुड नॉट बी डिफरेंशिएशन ऑफ द फीस, देयर शुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ द फीस, इट इज नॉट एट ऑल दिस वन टू सम लेवल। ओनली थिंग इज it should be put it on the centralization ki for this school this will be the fee criteria, now you put it on and give your preference to which school. What I mean is if you're providing swimming facility you can charge 1,000 rupees extra, if you're providing horse riding you can charge 1,000 extra, you're not charging 1,000 extra. ये विश्वास का, अगर अभी भाव को में विश्वास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ गलत है। बैंक के जो प्राइवेट पेरेंट्स और रिसीविंग एंड पर है, मीडिया वाले वो पेरेंट्स दोनों को विश्वास पैदा करना पड़ेगा, ये स्कूल की जिम्मेदारी है, दिखाई देना पड़ेगा, ये स्कूल की जिम्मेदारी है, विश्वास नहीं होनी चाहिए। जी लास्ट आप जोड़ना चाहते, मैं लास्ट इनसे जोड़ना चाह रहा था जी, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सबके पास पावर है, जैसे इस स्कूल में हमें ये वार्म्थ मिली है कि एक फैमिली जैसा माहौल है, अगर प्रिंसिपल के पास हम डायरेक्ट जाके, उन्होंने कहा कि ओपननेस होना चाहिए, उन्होंने कहा एक चीज और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि डोनेशन ना दे, क्योंकि अगर दो बंदे डोनेशन देते हैं तो सारी सोसाइटी डोनेशन देते हैं लोग, क्या बिल्कुल देते हैं, देते हैं जी डोनेशन देते, मैं यही जानना चाह रहा था सारी सोसाइटी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पूरे 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 डिस्कशन में जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, आप दोनों लोग थे, समझे आप लोग, पता था ना आपको? नहीं पता था, नहीं पता था, ये मेरी गलती है, ठीक है ना। चीफ गेस्ट आप लोग थे, क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। और आपके? मेरी भी थोड़ी थोड़ी है। क्या समझ में आई जल्दी से बताओ मुझे, क्या बता दो क्या? कि ना जब एडमिशन होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जब एडमिशन होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तुम्हें कुछ समझ में आया?
क्या? मुझे चीज पूछनी है, केपीएस मेरे घर के पास है और केपीएस में इतने स्पोर्ट्स ज्यादा क्यों है? बताइए, आप सवाल भी पूछने लगे हैं आप, है ना? ठीक है, सवाल इस बात का है कि जैसा इन्होंने कहा कि अब मुझे ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि जब एडमिशन की बात आती है तो समस्या खड़ी होती है, और जहां समस्या खड़ी होती है जनपद वहीं पे खड़ा होता है। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, उठाएंगे कहीं और से आवाज, देखते रहिए दिल्ली आज तक।